Hello, 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 हेलो 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 हाँ जी हेलो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में तो प्यारे बच्चों कैसे हो आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार चल रही होगी देखो बेटा बात ऐसी है कि अभी तक हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कर चुके हैं बहुत ही शानदार तरीके से हम लोगों ने आई यू को ख़त्म किया आई यू पी एस एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना एक्चुअल में ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ा नहीं जा सकता इसलिए हमने बहुत ही गहनता से हालांकि मैं फिर भी आपको कहूंगा कि आई यू के अभी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आप लोगों से अनटच्ड हैं जो आप लोगों ने नहीं सीखे हैं पर एक्चुअल में क्लास ट्वेल्थ में उतना समय नहीं होता हमारे पास चैप्टर भी स्टार्ट करना है तो उस रीजन से अभी मैंने जितना हो सका आपको बेस्ट आई समझाने की कोशिश करी अब आई खत्म होने के बाद में समय आता है चैप्टर का बट चैप्टर और आई के बीच की एक लाइन और है जिसका नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जी तो हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी बहुत शानदार तरीके से ख़त्म किया ज़्यादा लेक्चर्स नहीं लिए इसमें तीन लेक्चर में जो चार ऑर्गेनिक के मेजर इफ़ेक्ट्स हैं मैंने आपको वो बताया बाकी ये कहना अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक समंदर माने तो मैंने जो आपको जीओ में पढ़ाया है वो एक बाल्टी के बराबर है वैसे तो बट फिर भी वो बाल्टी इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर वो आपके पास नहीं होगी तो आप आज नए चैप्टर को शुरू करने में और आज की रिएक्शंस को मैकेनिज्म को समझने में एकदम विफल हो जाते बट अब मुझे यकीन है कि किसी बच्चे कोई दिक्कत नहीं आएगी आज की कक्षा में तो आज हम आपका नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं यहां से आपकी प्रॉपर ट्वेल्थ की क्लास स्टार्ट हो रही है यहां से आपके ट्वेल्थ के बोर्ड में सवाल आएंगे ठीक है तो ये यकीन मान के रखिएगा कि अब आज से आप जो कुछ भी पढ़ेंगे वो हर एक एक रिएक्शन हर एक एक कंसेप्ट आपके एग्जाम में टीचर आपसे पूछेगा और उसके आपको नंबर मिलेंगे डन तो ये नया अध्याय आज से शुरू कर रहे हैं अब जैसा मैंने आपको बताया था कि आपका हम लोग मैं कल बाहर गया हुआ था तो मेरे सारे काम हो गए हैं माइक वगैरह सब रेडी है तो आपको अब कल से वन मिनट रिवीजन शॉर्ट भी देखने को मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो जब क्लास में आप आएंगे तो लास्ट डे का वन मिनट रिवीजन शॉर्ट देख करके आएंगे देखो अब आपकी क्लासेस लंबी लंबी होंगी मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट एक दिन में पढ़ाने की कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ेंगे मिल कर के देखो क्यों करना है ऐसा क्योंकि स्कूल खुलने में समय है और ये जो टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें इस टाइम की वैल्यू को समझना पड़ेगा हमें अभी बहुत ज्यादा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है अगर इस टाइम हमने हार्डवर्क नहीं किया बेटा तो फिर जब एग्जाम आपका स्टार्ट हो जाएंगे या स्कूल्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे फिर आपको और ज्यादा समय नहीं मिलेगा चीजों को पढ़ने का तो दिस इज द राइट टाइम नीट का रिजल्ट आ गया है ए एस ने झंडे गाड़े हैं नीट के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स हैं सेवन हंड्रेड प्लस भी एसलियंस के आए हैं वन ट्वेंटी तक ए की है मैं दो तीन दिन में आपके साथ में रिजल्ट शेयर करूंगा पर हमारा मेन फोकस उस बैच पर है जो अभी पढ़ रहा है ठीक है तो नीट का रिजल्ट आ गया है और बहुत अच्छा किया है एसलियंस ने आपको एक दो दिन में इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा बेटा चलो तो वन मिनट रिवीजन शॉट आपको मिलेगा और अब आपको क्लास में सुनना भी है और लिखना भी है मतलब आपको क्लास में अलर्ट रहना है आज से ही बता रहा हूं क्योंकि कंसेप्ट की बहुत भयंकर भरमार आने वाली है आज की क्लास से आपके सामने तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप बहुत अलर्ट रहो है ना तीसरा आपकी जो क्लास वर्क बुक है उसको एकदम बढ़िया से आपको बनाते हुए चलना है इसमें कमी नहीं आनी चाहिए मैं हर एक कंसेप्ट क्लास में बहुत सुंदरता से लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि हर एक बच्चे को समझ आए तो आपको वो सब चीज़ें ध्यान रखनी है अगर इस क्लास में किसी भी बच्चे को कुछ भी समझने में दिक्कत हो रही है तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन है कि उसने आई या फिर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो क्लासेस हुई हैं उनको मिस किया है मैं फिर बोल रहा हूँ आपका स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहीं से होगा चाहे कोई बच्चा पुराना हो नया हो उसको शुरू तो यहीं से करना पड़ेगा और अभी हम यहाँ पहुँचे इसमें हम आज हमारा चैप्टर नंबर वन ले रहे हैं जो क्लास ट्वेल्थ में है ऑर्गेनिक का तो चलिए शुरुआत करते हैं जितने भी बच्चे लाइव हैं फटाफट से हैश जिद कर इन द कॉमेंट सेक्शन और फिर आज की कहानी को जो है हम शुरू करते हैं फटाफट से जल्दी बेटा हैश टैग जिद कर इन द कॉमेंट सेक्शन फास्ट जल्दी वेरी गुड चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर जो है आपका जो हम जहां शुरू कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है हेलो एलकेन एंड हेलो अरे जो भी बच्चे नाम है मैं फटाफट फड़ से एक बार बच्चों के नाम ले लेता हूँ जो भी बच्चे अभी लाइव हैं है ना देखो एक चीज़ समझोगे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने कुछ नोटिस किया मेरी क्लास के अंदर बताता हूँ फिर क्या चीज़ नोटिस करने की बात चल रही है मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सभी लोगों के साथ में जब चैप्टर स्टार्ट किए मतलब आई यू पी स्टार्ट किया या फिर आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई एक कॉमन चीज़ रही कि मैंने तो इंग्लिश की टर्म्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया है इंग्लिश की टर्म्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है अब आपको समझना पड़ेगा उसके पीछे का कारण क्या है एक्चुअल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ में एक दिक्कत है बेटा ऑर्गेनिक में जो अधिकतर टर्म्स है ना वो इंग्लिश के अंदर ही हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो इंग्लिश टर्म्स हैं उन पर आपकी कमांड होनी चाहिए ऑर्गेनिक पढ़ते समय ठीक है तो आपके ओ पी स्टडी मटेरियल शाह खान रेणु सरिता वैभव त्रिपाठी खूब सारे जितकर लिखे हैं गुड्डू कुमार एसलियन एसलियन, एसलियन योगेश राणा राजकुमार सानिया सृष्टि रॉयल अली आदित्य कुमार नैन्सी विकी प्रभात एसलियन अक्षय फोर्स थ्री पॉइंट ओ अंशिका वेरी गुड बेटा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शानदार 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 हाँ तो मैं कहाँ था मैं आपको कह रहा था कि जितनी भी टर्म्स है ना वो टर्म्स आपको इंग्लिश में ही पढ़नी पड़ेंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अधिकतर तो इंग्लिश के साथ खुद को टाइमली कंफर्टेबल कम, कर लोगे तो बेहतर रहेगा बेटा क्योंकि तो टर्म्स अधिकतर आपको इंग्लिश में ही मिलेंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के ये एक विशेष बात है जो सभी बच्चों को मैं कहना चाहूँगा चलिए शुरू करते हैं हेलो एल्केन हेलो अरन इसको हिंदी में देखें तो हिंदी में भी ये हेलो एल्केन है और ये हेलो अरिन है कोई खास फर्क नहीं हिंदी इंग्लिश में एग्जैक्ट सेम नेम है चलिए स्टार्ट करते हैं एक्चुअली क्या होता है ना जैसा कि मैंने आपको बताया जो आपके मूलभूत यौगिक हैं वो हाइड्रोकार्बन है अब बिल्कुल एक्टिव होकर के कमेंट सेक्शन के साथ में आपको अलर्ट रहना है ठीक है एकदम अलर्ट रहना फर्स्ट बुक खत्म नहीं हुआ फर्स्ट बुक इसकी बात करेंगे ना अभी क्यों करेंगे फर्स्ट बुक इस करने लगे थे अपन चलो देखो अब आपके जो मूलभूत यौगिक है वो एलकेन है जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास सी एच फोर है तो सी एच फोर क्या है आपका मिथेन है राइट अब होता ये है अब कैसे बनता है हेलो एलकेन में आपको वो समझाता हूँ जैसे अगर आप सी एच फोर को देखो तो सी एच फोर में चारों हाइड्रोजन आपके पास है ना अब अगर आप एल्केन के अंदर से हाइड्रोजन को निकाल दो और एल्केन के अंदर से हाइड्रोजन को निकाल करके आसिफ अगर आप एल्केन के अंदर से हाइड्रोजन को निकाल करके उसमें हेलोजन डाल दोगे मतलब इसके अंदर से अगर आप हाइड्रोजन को निकाल दो और हेलोजन को लगा दो जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक हाइड्रोजन लगा दिया एक हाइड्रोजन निकाल दिया और उसकी जगह आपने हेलोजन लगा दिया अब हेलोजन में आपके पास चार फ्लेवर हैं आप चाहो उस फ्लेवर को यूज करो क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। तो जैसे ही आपने अपने हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को बाहर निकाला और हाइड्रोजन को बाहर निकाल करके उसके अंदर हेलोजन को फिट कर दिया वो बन गया हैलो ये जो आपके सामने बना है ये आपका है हेलो है, एल्केन अब समझना इसमें अगर एक्स जो है आपका वो Cl है तो ये हो जाएगा क्लोरोमीथेन अगर बी आर तो ये हो जाएगा ब्रोमोमिथेन अगर एफ है तो ये हो जाएगा फ्लोरोमीथेन और अगर आई है तो ये हो जाएगा आइडोमिथेन तो मतलब क्या किया है कि सिंपल सा एक लाइन में अगर मैं लिखूं कि हेलो एलकेन कैसे बन रहा है तो एलकेन के हाइड्रोजन को हटा करके एल्केन में हाइड्रोजन को हटाकर यदि हेलोजन जोड़ दिया जाए तो जो चीज़ बनकर के तैयार हो रही है उसका नाम होगा हेलो एल्केन तो ऐसे में जो चीज़ बनकर के तैयार होगी उसका नाम है फिर हेलो एलकेन मतलब मोटे मोटे तौर पे देखें तो इसमें एक कार्बन समूह होता है ये कार्बन समूह तो है क्या है ये और ये एक कार्बन समूह है और कार्बन समूह से एलकेन कार्बन समूह अगर आप और अच्छे से बोलना चाहो तो ये आपका एल्केन कार्बन समूह है और इस एल्केन कार्बन समूह से कौन जुड़ी हुई आपकी हेलोजन एल्केन कार्बन समूह को हम सामान्य रूप से आर से भी प्रदर्शित करते हैं याद होगा आपको फोकस हम एल्केन के सामान्य समूह को आर से भी प्रदर्शित करते हैं तो हम इसको अगर आर बोले तो हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र हो जाता है आरएक्स तो आरएक्स जो है वो आपके हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र है कैसे बनाते हैं आपको याद रखना चाहिए बनाने का काम बहुत सिंपल है शिवांश तरीका क्या है एल्केन में हाइड्रोजन को हटा दीजिए यदि आप उसमें हाइड्रोजन को हटा करके हेलोजन को लगा देंगे तो हेलो एल्केन बन जाएगा ये आज की पहली बात है जो अपन ने सीखी है अब इसका दूसरा भाई हम हेलो अरिन को कैसे बनाते हैं हेलो अरिन को बनाने के लिए आपको बेंजीन को उठाना पड़ेगा अगर बेंजीन को अरीन कहा जाता है एरीन मतलब एरोमेटिक अन अरिन मतलब एरोमेटिक और इसको अपन ए आर से शो करते हैं अगर बेंजीन के अंदर अर्थात एरोमेटिक के अंदर आप एक्स जोड़ दो सेम काम करो आप यहाँ पे भी कि हाइड्रोजन को हटाओ और हेलोजन को जोड़ो तो ये जो चीज़ बन करके तैयार होगी भाई एल्केन में से हाइड्रोजन हटा के हेलोजन जोड़ोगे तो हेलो एल्केन कम और अगर बेंजीन में ऐसा करते हैं तो हेलो बेंजीन बोले तो हेलो अरिन तो ये जो चीज़ बन के तैयार हुई है ये क्या है आपकी हेलो अरन हाथ ऊपर तो करके बताओ यहाँ तक मक्खन है क्या फटाफट जल्दी हेलोजन क्यों बोलते हैं ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को नहीं मिलेगा ये आपको पी ब्लॉक नाम के चैप्टर में देखने को मिलेगा ये आपको पी ब्लॉक नाम के चैप्टर में देखने को मिलेगा कि किसको क्या क्यों बोलते हैं ठीक है तो यहाँ तक एकदम क्लियर है यहाँ तक हैश मक्खन विपर जो आगे दिखता है हमारे यहाँ पे हवाएँ चल रही भयंकर हाँ जी बच्चों चलो <laughs> पेपर जो है आ गया हमारे यहाँ पे चलो तूफ़ान खैर कोई ना पढ़ते हैं अपन तो, तो जब लाइट जाएगी जबकि जब देखेंगे वैसे इन्वर्टर लगा हुआ है बट हो सकता है इंटरनेट कनेक्शन में दिक्कत आ जाए अगर सब कुछ ठीक है तो चलता रहेगा चलो बढ़िया अब अब हमें समझना है कि चैप्टर का फ्लो कैसे होने वाला है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या इस चैप्टर में क्या ऑर्गेनिक के किसी भी चैप्टर में अपन कैसे पढ़ते हैं ठीक है देखो ऑर्गेनिक के किसी भी चैप्टर को पढ़ने का तरीका क्या है सबसे पहले आपको जो बंदा है उसका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण पढ़ाया जाता है मतलब जैसे आज हमारा पहला टॉपिक होगा कि हम जो हेलो एल्केन और हेलोरीन के बारे में जाने हैं हम हेलो एल्केन हेलोरीन का वर्गीकरण समझें यह हमारा पहला स्टेप होगा दूसरे बात में फिर हमें सिखाया जाता है कि जो आपने बंदा लिया है उसका आई नामकरण अब अच्छी बात यह है कि आई यूपीएससी नामकरण ऑलरेडी बहुत चीज़ डिस्कस कर चुके हैं तो कभी कभी इस पोर्शन को अपन स्किप करेंगे ठीक है बस आपको डीपीपी इसकी जरूर मिलेगी और हां एक महत्वपूर्ण सूचना आई यू पी की कंप्लीट डीपीपी आपकी ऐप में उपलब्ध है आज बैठ करके सारे क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कर लेना कल आपको उन क्वेश्चन के सोल्यूशन मिल जाएंगे ठीक है चलो जब ये हो जाएगा फिर सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि जो भी हमारा बंदा है उसको बनाते कैसे हैं, तो आएगा विरचन विरचन का मतलब होता है निर्माण उसके बाद हम ये सीखेंगे कि जो हमारा बंदा बंदा मतलब चैप्टर में चेंज होता रहेगा इस चैप्टर में कौन है हेलो एल्केन हेलो अरिन इनके भौतिक गुणधर्म क्या हैं तो फिर अगले स्टेप में हम पढ़ेंगे भौतिक गुणधर्म फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा जब भौतिक गुणधर्म हो जाएगा फिर हम सीखेंगे इसके रासायनिक गुणधर्म ये रिएक्शन कैसे करते हैं तो जो बंदा होगा उसकी क्या सीखी जाएगी रासायनिक अभिक्रिया और ऐसे आपका चैप्टर जो है वो खत्म होगा तो हर चैप्टर का फ्लो यही रहने वाला है सबसे पहले आप जिसके बारे में भी पढ़ रहे हो उसका वर्गीकरण पढ़ोगे उसके बाद आप उसके आयू करोगे उसके बाद आप उसको बनाना सीखोगे अलग अलग जरियो से फिर आप उसके भौतिक गुणम भौतिक गुणम का मतलब होता है गलनांक कोथनांक इस तरह की चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद जो बंदा बन करके तैयार हुआ है आप उसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानोगे ठीक है अब दिमाग में दो चीज़ें क्लियर कर लो हेलो एल्केन हेलोरिन का मतलब क्या है मैं इस स्लाइड को हटा रहा हूं और जैसे जैसे मैं स्लाइड को हटाता जाऊंगा वैसे वैसे आपको हल्का सा रिवाइज कराता हुआ चलूंगा हेलो एल्केन हेलोरिन का मतलब क्या होता है अगर आपने एल्केन में हाइड्रोजन निकाल के हेलोजन जोड़ दी हेलो एल्केन अगर आपने बेंजीन के किसी समूह में से हाइड्रोजन निकाल के हेलोजन जोड़ दिया तो आपका हेलो बेंजीन या हेलो अरिन बस इतना सही है बेटा आगे बढ़े अब जो टॉपिक आपको सबसे पहले पढ़ना है जैसा मैंने बताया हेलो एल्केन तथा हेलो अरीन का वर्गीकरण तो सबसे पहली चीज आप पढ़ोगे आज के टॉपिक में हेलो एल्केन तथा हेलो अरीन का क्लासिफिकेशन यहां से हम शुरुआत करेंगे ठीक है सभी लोग एक्टिव एकदम बढ़िया शुरू करें चलो कोई बात नहीं अगर किसी बच्चे ने अभी भी स्टार्ट किया है जस्ट क्लास को अभी भी ज्वाइन किया है कोई दिक्कत नहीं है मेजर पोर्शन अभी से स्टार्ट हो रहा है आपको अभी तक मैंने बस इतना पढ़ाया है कि जो आपका हेलो एल्केन हेलो अरिन है अगर हम एल्केन के अंदर से हाइड्रोजन निकाल दें उसकी जगह हेलोजन जोड़ दें तो वो हेलो एल्केन है अगर अपन बेंजीन के अंदर से हाइड्रोजन निकाल दें उसकी जगह अगर अपन हेलोजन जोड़ दें तो वो हेलो अरिन है बस इतनी चीज है बेटा चलिए बॉस स्टार्ट करें तो हेलो एल्केन हेलो हेलोरिन का वर्गीकरण से हम शुरू करने जा रहे हैं ध्यान से देखिएगा चलो देखो अब सबसे पहली चीज जब हम वर्गीकरण करते हैं तो उस वर्गीकरण का कोई आधार होता है जब हम वर्गीकरण करते हैं तो उस वर्गीकरण का को कोई आधार होता है आज मेरे साथ जुड़े रहोगे चैप्टर में बहुत मजा आएगा आपको वर्गीकरण करने के लिए सबसे पहला अपन देख रहे हैं हेलोजन है की संख्या के आधार पे वर्गीकरण तो पहला आधार है हेलोजन की संख्या के आधार पर वर्गीकरण कि कितने हेलोजन परमाणु उपस्थित है कितने हेलोजन परमाणु उपस्थित है उसकी संख्या के आधार पर अपन वर्गीकरण करेंगे आप देखो कैसी चीजें निकलेंगी सबसे पहले अगर एक हेलोजन उपस्थित है आपके हेलोजन की संख्या एक है कमाने यार अगर हेलोजन की संख्या एक है मतलब एक ही हेलोजन उपस्थित है उससे अगर हेलोजन नहीं है आपके पास केवल एक ही है हेलोजन है तो फिर उसे कहा जाता है मोनो हेलो या मोनो हेलो अरीन उसे कहा जाता है मोनो मतलब होता है बेटा एक तो उसे कहते हैं मोनो हेलो एल्केन या हम उसे कहते हैं मोनो हेलो अरीन मोनो हेलो लोन समझ गए क्या मोनो शब्द का मतलब होता है एक और हेलो शब्द का मतलब हो गया आपका हेलोजन एल्केन मतलब एल्केन तो एल्केन के साथ हेलोजन जुड़ी हुई है एक हेलोजन जुड़ी हुई है बेंजीन के ऊपर एक हेलोजन एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको जैसे टी एच थ्री ये किसका एग्जाम्पल है ये मोनो हेलो एल्केन का एग्जाम्पल है बेंजीन के ऊपर सीएल ऐसे दिखाते बेंजीन को सिंपल बेंजीन के ऊपर सियल ये किसका एग्जांपल है ये मोनोहेलो अरीन का एग्जांपल है क्योंकि इसके अंदर हेलोजन की संख्या कितनी है एक है क्या यहाँ तक समझ आता है इजी इजी है बेटा इट्स नॉट टफ मोनो का मतलब होता है वन मोनो जो शब्द है इस मोनो शब्द का मतलब होता है वन क्लियर अगर आपके हेलोजन की संख्या दो हो तब क्या होगा अगर हैलोजन की संख्या दो हो उसको बोलते हैं डाई हेलो इंग्लिश में लिख दू अब डाई हेलो एलकेन डाई हेलो एलकेन या डाई हेलो अरिन उसको बोलते हैं डाई हेलो एलकेन या डाई हेलो अल डाई का मतलब होता है दो अब इसका एग्जांपल दो सर अब इसमें और वाइफ्रगेशन है अंदर उस वाइफ्रगेशन को समझने की कोशिश करना जैसे मैं आपके सामने दो बंदे बना रहा हूं सी एच टू सी एच टू सी एल सी एल सी एच एक सी एल दूसरा सी एल सी एच थ्री अब इन दोनों को ध्यान से देखना अच्छे से ठीक है इन दोनों एग्जाम्पल्स को जब आप बहुत अच्छे से घूर करके देखोगे तो एक बात डायरेक्टली समझ में आएगी कि दोनों के अंदर दो दो हेलोजन है एक हेलोजन, दूसरा हेलोजन, दो दो हेलोजन है एक हेलोजन, दूसरा हेलो तो जब आपके हेलो एल्केन में दो हेलोजन है तो उसे कहते हैं हेलो एल्केन। अब ध्यान से देखना अगर दोनों हेलोजन जस्ट पास पास वाले कार्बन पे हो एक केस ये हो सकता है और दोनों हेलोजन एक ही कार्बन के ऊपर हो एक केस ये हो सकता है तो कौन कौन से दो केस पॉसिबल है बेटा कार्बन दोनों जो आपके हेलोजन है वो जस्ट पड़ोस पड़ोस वाले कार्बन पे हो एक केस ये पॉसिबल है और दूसरा केस ये पॉसिबल है कि दोनों हेलोजन एक ही कार्बन के ऊपर हो अगर पास पास वाले कार्बन पे है तो हम उसको बोलते हैं विसिनल डाई हेलाइड क्या बोलते हैं इसको विसिनल डाई हेलाइड और अगर दोनों एक ही पर है तो उसे कहते हैं जेमिनल डाई जेमिनल जैमिनल डाइहेलाइड तो दो हेलोजन की उपस्थिति समझना दो हेलोजन की उपस्थिति आपके सिस्टम को बनाती है डाई हेलो या डाई अगर दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे हैं तो वो है जेमिनल डाई और दोनों जस्ट पड़ोस वाले पे हैं तो वो है विसिनल डाईहेलाइड अब ऐसे हेलोजन की संख्या बढ़ती जाएगी तो ट्राई हेलो एल्केन इसका बेंजीन वाला एग्जाम्पल भी देता हूँ आपको एग्जाम्पल की कमी थोड़ी है बेंजीन वाला एग्जाम्पल भी ले लो आप एक सी एल लग गया एक बी आर लग गया तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया डाई हेलो अरिन का एग्जाम्पल हो गया अब इसमें अगर आप आगे बढ़ते रहोगे तो ऐसे ही हेलोजन संख्या तीन होगी तो ट्राई हेलो एल्केन ट्राई हेलो अरिन चार होगी टेट्रा हेलो एल्केन टेट्रा हेलो अरिन इस प्रकार चलते चलते यहाँ पे लास्ट में आएगा पॉली हेलो एल्केन जगह बहुत सारे हो तो एंड अगर आगे बढ़ते जाओगे इसमें और आगे चलते जाओगे तो पॉली हेलो एल्किन एंड पॉली हेलोअन ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा बोलो बेटा ये वर्गीकरण सभी बच्चों को मस्त समझ में आ गया क्या हैश टैग मक्खन इसके लिए हेलोजन की संख्या अगर एक हो तो हेलो मोनो दो हो डाई तीन हो ट्राई बस इसमें याद रखना दो एक्स्ट्रा फ्लेवर और आए एक आया विसिनल कि अगर जस्ट पास पास वाले कार्बन पे दो हेलोजन हो और एक फ्लेवर आया जेमिनल जेमिनल में जेम याद रख लो आप तो अगर एक ही पे हो तो ठीक है चलो अब वर्गीकरण का दूसरा आधार ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी सबसे ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसमें हम वर्गीकरण करते हैं हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है समझना आराम से हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इस कार्बन के संकरण के आधार पर मतलब हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है हेलोजन जिस कार्बन जुड़ रहा है उस कार्बन के संकरण के आधार पर नाउ एंजॉय द पॉइंट इसमें सबसे पहला केस बनता है जब आपका हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन sp3 संकरित कार्बन है ये पहली कैटेगरी है आपका हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो sp3 थ्री संक्रित कार्बन है अब इसमें मैं आपको एग्जाम्पल्स से समझाता हूं जैसे इसमें भी तीन फ्लेवर हैं पहला फ्लेवर जैसे आपका हेलोजन ये रहा आराम से देखना कोई जल्दी नहीं है देखो अब ध्यान से सबसे पहली बात आप लोगों को याद आएगा जनरल ऑर्गेनिक अग्निकेमिस्ट्री मैंने आपको पढ़ाया था कि आपको जिस कार्बन का संकरण देख रहे हैं उसके बॉन्ड देख लो अगर सारे बॉन्ड सिंगल है एस थ्री एक बॉन्ड डबल है एस टू दोनों बॉन्ड डबल है तो एस और ट्रिपल बॉन्ड है तो एस पी हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है उस कार्बन को ध्यान से देखो वो कार्बन आगे सारे बॉन्ड सिंगल है मतलब ये कार्बन एस संकरित कार्बन है ये वाली कैटेगरी हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसके सारे बॉन्ड सिंगल है एसपी थ्री संक्रहित हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसके सारे बॉन्ड सिंगल है एसपी थ्री संक्रहित अब इसमें भी तीन वरायटी निकल के आ रही है यहां पर हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो sp3 है ये वाली कैटेगरी है साथ में हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है फोकस बेटा मेरे पे हेलोजन जिस कार्बन पे कनेक्टेड है वो आगे केवल एक कार्बन से कनेक्टेड है हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन आगे केवल एक कार्बन से कनेक्टेड है इसको बोलते हैं एक्टिव फटाफट सुनो ध्यान से सबसे पहली बात ये कैटेगरी की बात क्यों कर रहे हो सर क्योंकि हेलोजन जिस कार्बन जुड़ा हुआ है वो एसपी थ्री है ये वाली कैटेगरी में आता है उसके बाद यहां पे एक और शानदार चीज है क्या हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन आगे एक कार्बन से कनेक्टेड है केवल तो इसको बोलेंगे वन डिग्री हेलो एल्केन हिंदी में इसको प्राथमिक हेलो एल्केन के नाम से भी जानते हैं वन डिग्री को प्राइमरी या प्राथमिक भी बोलते हैं अब आप खुद दिमाग लगा के बताओ अगले वाले में क्या होगा ये हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है पहली बात वो एसपी थ्री है इस कैटेगरी में आएगा दूसरी बात ये कार्बन आगे दो कार्बन से कनेक्टेड है अब ये कार्बन क्योंकि आगे दो कार्बन से कनेक्टेड है तो यह आपका हो गया टू डिग्री हेलोएल के हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है पहली बात तो एसपी थ्री है दूसरी बात वो आगे तीन कार्बन से कनेक्टेड है तो यह आपका हो गया थ्री डिग्री हेलो एल के समझे इस चीज को प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक ऐसे आप इसको बोल सकते हो ये पहला क्लासिफिकेशन सबको मस्त समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ता हूं मक्खन बेटा मजा आ गया चलो अब इसमें एक फ्लेवर और है वो देखो अच्छे से देखना मैं आपके सामने एक कंपाउंड बना रहा हूं इस कंपाउंड को ध्यान से देखो हेलोजन से कनेक्टेड है वापस जिस कार्बन से कनेक्टेड है, है उसके सारे बॉन्ड सिंगल है मतलब इस कार्बन का संकरण है एसपी थ्री तो ये इस कैटेगरी में आता है भाई तो हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड हो और उस कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल हो तो उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं कि वहां पे एसपी थ्री है पक्का बेटा सही बात है सही बात है कौशल निहारिका जन्नत खान समझ आ रहा बेटा विमलेश है ना क्या बात हो रही है कि आपका हेलोजन जो है वो जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन sp3 संकरित है अब यह नई चीज क्या है उस sp3 संकरित कार्बन के ठीक बाद में डबल बॉन्ड है एसपी थ्री संकृत कार्बन के ठीक बाद में डबल बॉन्ड है अगर ऐसा हो तो इस कैटेगरी का नाम होता है अलाइलिक कैटेगरी कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है पहली बात वो कार्बन एसपी थ्री संकृत है नंबर वन और उसके ठीक बाद में डबल बॉन्ड है अगर ऐसा कभी हो तो वो कैटेगरी कौन सी होती है उस कैटेगरी को अलाइलिक कैटेगरी के, के नाम से जाना जाता है डन चलो आगे बढ़े अब अगला एग्जाम्पल देखो हेलोजन जुड़ा हुआ है एक कार्बन से जिसका एक बॉन्ड सिंगल दूसरा बॉन्ड सिंगल तीसरा ऑलरेडी सिंगल उसके बाद में बेंजीन है यहां पर हेलोजन आपका जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल है तो इस कार्बन का संकरण sp3 थ्री है इस एग्जाम्पल में आपका हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसके क्योंकि सारे बॉन्ड सिंगल है तो उसका संकरण क्या हो गया बेटा sp3 अब जो कार्बन sp3 है उसके ठीक बाद में बेंजीन है तो अगर आपका हेलोजन एक ऐसे कार्बन से कनेक्टेड हो जो sp3 और उसके ठीक बाद में बेंजीन हो तो इसको बेंजाइलिक बोलते हैं तो इस कैटेगरी में तीन आ गए एक वर्गीकरण होगा वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री के बाद एलई लिक हिंदी में भी एल एलिक हिन्दी में इसको एलिलिक बोलते हैं ऐसे एक बच्चा पूछा सर हिंदी में बताओ एल लिक वो ये बेटा मैं कह रहा हूँ ना टर्म्स अंग्रेजी में ही बनी हुई है मैं हर बार शुद्ध हिंदी में पढ़ाता हूँ बच्चों को बट ऑर्गेनिक में मैं मिक्स चलाता हूँ क्यों क्योंकि ऑर्गेनिक की नाइन्टी टर्म्स इंग्लिश में ही है बेटा तो इंग्लिश में ही समझना पड़ेगा उसको आपको ठीक है बोलो फिर मस्त है एकदम कोई दिक्कत परेशानी नहीं है आगे बढ़ जाए चलो तो पहली कैटेगरी संपन्न होती है जहां आपके आपका हेलोजन उस कार्बन से कनेक्टेड जो एसपी थ्री है अब आपकी आएगी दूसरी कैटेगरी दूसरी कैटेगरी है हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है दूसरी कैटेगरी है हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो एसपी टू कार्बन हो हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन sp2 संकरित टू कार्बन हो डबल बॉन्ड हो शुरू करें इसमें कौन कौन से केसेस बनते हैं लेट्स फाइंड आउट आपका हेलोजन कनेक्टेड है इससे डायरेक्ट चेक कर लो आपका हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन का एक बॉन्ड डबल है और मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक्स में समझा रखा है कि अगर कार्बन का एक बॉन्ड डबल हो तो वो एसपी टू संकलित कार्बन होगा सही बात है तो ये आपका केस है इसको बोलते हैं विनाइलिक हिंदी में ले। अब हो सकता है कि मासूम बच्चा इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाए वैसे होना तो नहीं चाहिए कायदे से बट फिर भी जीवन में कुछ भी हो सकता है ना बेटा तो हो सकता है कि कोई बच्चा मासूम सा प्यारा सा बच्चा ऐसा कोई हो जो इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाए तो इसमें समझना क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर आपका हेलोजन उस कार्बन से कनेक्टेड है जो एस है उसके बाद में डबल बॉन्ड है यहां पे आपका हेलोजन डायरेक्टली डबल बॉन्ड वाले कार्बन से कनेक्टेड है ये डिफरेंस है डायरेट एसपी टू से कनेक्टेड है अगली कैटेगरी आपका हेलोजन डायरेक्ट बेंजीन से कनेक्टेड हो अगर ऐसा हुआ तो आपका हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो डबल बॉन्ड है तो एसपी टू संकलित कार्बन होगा अब इसमें और इसमें एक मासूम बच्चा कंफ्यूज हो सकता है तो इसमें हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो एसपी थ्री है उसके बाद में बेंजीन है यहां पे हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन से कनेक्टेड है तो ऐसे केस में इसको ए आर वाई एल ठीक है ये आपका वर्गीकरण था जहां पे आपका कार्बन आपका हेलोजन एस टू संकरित कार्बन के साथ में कनेक्टेड है इसी कैटेगरी आती है आपकी इसमें कुछ ज़्यादा वाइफ्रागेशन नहीं है जहाँ आपका sp संकरित कार्बन के साथ हेलोजन कनेक्टेड हो इसमें वाइफ्रगेशन कुछ नहीं है इसमें बस एग्जाम्पल है जैसे आपका हेलोजन सी ट्रिपल बॉन्ड सी से जुड़ा हुआ हो फॉर एग्जांपल तो यहाँ पे आपका हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन डायरेक्टली एसपी संकरित कार्बन है हाँ जी बच्चों तो थोड़ा समय मिल गया आपको चीज़ें देखने का बढ़िया क्लियर नेक्स्ट टॉपिक पर चलें, तो ये हमने संपन्न किया हेलो हेलो आर का वर्गीकरण कैसा लगा नए पुराने बच्चे जो भी हैं नए पुराने बच्चे जो भी हैं कैसा लगा मस्त लगा चलो आगे बढ़े ओके बेटा तो हमने क्या पढ़ लिया है अभी तक अभी तक हमने क्लासिफिकेशन संपन्न ने कर लिया ये हमारा डन हो गया आज का हमारा पहला टॉपिक क्लासिफिकेशन डन अब हमें आई यू पी एस सी पर चलना है आई यू पी एस सी हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो आपको इसकी डी पी पी मिल जाएगी और जब आप इसकी डी पी पी करोगे सॉल्व तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि डी पी पी में कहाँ दिक्कत आ रही है फिर जब मैं डी पी पी का सोल्यूशन कराऊंगा तो चीज़ें और ज़्यादा स्मूथ और मस्त हो जाएंगी आपके लिए ठीक है चलो अब हम आगे बढ़ेंगे अब हम तीसरे पे आ रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एन के निर्माण पे अब आपके चैप्टर को मैं दो हिस्सों में बांट दूंगा और सबसे पहले हम हेलो एल्केन को पूरी तरह से संपन्न करेंगे और फिर हम हेलो एरियन के ऊपर जाएंगे क्लियर तो पहले हम हेलो एल्केन को पूरा फिनिश करेंगे फिर ही हम हेलो एरिन के ऊपर जाएंगे तो अब आप हेडिंग लगाए हेलो एल्केन और हेलो एल्केन में जो सबसे पहले आपकी हेडिंग है वो है हेलो एल्केन का विरचन विरचन मतलब होता है निर्माण हेलो एलकेन का विरचन और विरचन का मतलब होता है निर्माण हेलो एलकेन का विरचन और विरचन का मतलब होता है निर्माण अब ध्यान से देखना अब हम ये सीखेंगे देखो एआरएक्स को तो भूल जाओ एआरएक्स को तो भूल जाओ अभी उसको नहीं पढ़ रहे पहले हेलो एलकेन पढ़ेंगे अभी हम ये सीखेंगे कि हेलो एल्केन को बनाया कैसे जाता है मतलब बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में रहना चाहिए कि लास्ट में आरएक्स बनेगा तो हम बेसिकली आरएक्स का क्या सीख रहे सीख रहे हैं निर्माण सीख रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम आरएक्स को बनाना सीखेंगे एलकेन द्वारा फ्रॉम एलकेन अब भाई बना रहे हो आरएक्स को तो किसी ना किसी से तो बनाओगे तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि इसको एलकेन से कैसे बनाया जाता है चलो एल्केन में आप अपनी फेवरेट एलकेन ले सकते हो सी एच फोर अब बहुत कमाल का कंसेप्ट है सुनते जाना समझते जाना अगर आपने हेलो एल्केन आपने कोई एल्केन लिया सी एच फोर जैसा और आपने इसकी रिएक्शन कराई सी एल टू से अब होता ही है बेटा कि अलग अलग चीज़ों को लेने पर अलग अलग कंसेप्ट को लेने पर अलग अलग अभिकारकों को लेने पर अलग अलग कंडीशंस को लेने पर अलग, अलग अलग उत्पाद बनते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे तीन मोटी मोटी कंडीशंस के साथ में उत्पाद बदलते हैं सबसे पहली बात अगर आपने CH4 की अभिक्रिया Cl2 से कराई और ये अभिक्रिया आपने डार्क में करा दी डार्क का मतलब होता है अंधेरा कायम रहे अंधेरे में करवा दी एक ऑप्शन यह हो सकता है दूसरा यह हो सकता है कि आपने इसकी रिएक्शन सीधे सूर्य के प्रकाश में करा दी जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सनलाइट और तीसरा हो सकता है कि आप इसकी रिएक्शन कराओ डिफ्यूज सनलाइट में डिफ्यूज सनलाइट का मतलब होता है डायरेक्ट नहीं लिया आपने है ना डायरेक्ट नहीं लिया और आपने जो है थोड़ा बहुत उसकी लाइट को कम कर दिया आप जाली लगा सकते हैं आप कांच लगा सकते हैं ऐसे आपने उसको कम कर दिया अगर आप अंधेरे कमरे में रिएक्शन कराने की सोचोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी नो रिएक्शन मतलब CH4 क्लोरीन भाई देखो आपको एल्कीन से बनाना है एल्कीन क्या होता है CH4 और आपको हेलो एल्केन बनाया है तो आपको हेलोजन से तो क्रिया करानी पड़ेगी मान लेते हैं आपने Cl2 से कराई अगर आप अंधेरा कमरा ले लोगे तो अंधेरे में आपका Cl2 CH4 के साथ में किसी भी प्रकार की कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा नो no रिएक्शन कोई रिएक्शन नहीं करेगा अगर आपने सीधा सूर्य का प्रकाश लिया तो सी एच फोर से निकलेगा कार्बन पूरी तरह से अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन सारी क्लोरीन के साथ मिलकर के एस सी एल की फ्यूम्स बना लेंगी और कार्बन ब्लैक की तरह अलग हो जाएगा जैसे आपने कपूर को जलाया कभी सर कोई सर को बस हमारा डाउट नहीं दिखता अरे बताओ तो सही बच्चा डाउट क्या है इम्तियाज डाउट बताओ और अभी तो बेटा फोकस कर रहे हैं अपन कंटेंट पे तो पूरा फोकस आप यहाँ करो ठीक है वैसे आप चैप्टर नंबर फोर में अर्थात रासायनिक बलगति के नाम के चैप्टर में बहुत विस्तार से ये पढ़ोगे बेटा सभी बच्चे कि क्यों एक रिएक्शन होती है क्यों एक रिएक्शन नहीं होती है हर रिएक्शन के लिए एक ऊर्जा चाहिए होती है अगर वो ऊर्जा आपको अच्छे से मिल जाएगी तो रिएक्शन हो जाएगी अब यहाँ पे इतनी ऊर्जा नहीं मिलती है कि कोई रिएक्शन हो और यहाँ जो ऊर्जा मिलती है वो अलग टाइप की है तो प्रोडक्ट अलग बनता है यहाँ पे अलग प्रकार की ऊर्जा मिल रही है प्रोडक्ट अलग बनता है चलो तो बात की बात है समझो जैसे आपने घरों में आरती जरूर की होगी आरती में आपने कपूर जलूर जलाया होगा तो जब आप कपूर जलाते हो आपने देखा ऐसे धुआं निकलता है और ब्लैक 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 आपको उसमें पाउडर जैसा कुछ दिखाई देता है कार्बन का वही है कार्बन पाउडर तो अगर आप सी एच फोर की रिएक्शन सी एल टू से कराओगे में, तो पहले तो आपको कार्बन ब्लैक मिलेगा काला कार्बन पाउडर के रूप में और जो हाइड्रोजन है वो सारे Cl के साथ मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेगी एच सी एल बना लेगी इतना समझ में आया एक और बात हम यहां पे रिएक्शंस को बैलेंस नहीं करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम रिएक्शन को बहुत कम बैलेंस करते हैं हालांकि इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो आपको फिर दो सीएल लेने पड़ेंगे चार एस बनेगा और दो कार्बन बनेगा हम इतना बैलेंस नहीं करते हम बस उत्पाद और अभिकारक लिखते हैं ये पूरी ऑर्गेनिक में ध्यान रखना चलो अब तीसरी बात अगर आप डिफ्यूज्ड सनलाइट लोगे प्यारे बच्चों अगर आप डिफ्यूज्ड सनलाइट लोगे डिफ्यूज का मतलब है थोड़ा आपने सूर्य के प्रकाश को कम कर दिया ऐसा करोगे तो बहुत मजेदार चीज होगी क्या देखना सीएच फोर ऐसा होता है सीएल टू है एक एच एक सीएल को लेके निकल जाएगा एक एच एक सीएल को लेके निकल जाएगा और दूसरा सीएल इस कार्बन पर जाके लग जाएगा कमऑन फोकस अगर आप ऐसे रिएक्शन कराओगे तो एक एच एक सीएल को लेके निकल जाएगा और दूसरा सीएल जो है वो कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा ये हो जाएगा सीएच थ्री सीएल प्लस में आपका बनेगा एस सी एल इस प्रकार से आपकी रिएक्शन हो बोलो क्लियर है क्या एस सी एल जो लिखा है फ्यूम्स एफ S फ्यूम्स का मतलब होता है धुआं ओके ये आपका उत्पाद बन गया बात अभी खत्म नहीं हुई है मेरी बातें अभी और चलेंगी अगर आप इसकी रिएक्शन फिर से और सी एल टू से कराओगे तो ये जो एक और H है वो भी चला जाएगा और बन जाएगा सी एच टू सी एल टू समझ रहे हो एक HCl और बाहर निकल जाएगा इसका एक H और चला जाएगा और क्या बन जाएगा CH2Cl2 टू टू बात अभी खत्म नहीं हुई आप अगर इसकी रिएक्शन और Cl2 टू से कराओगे तो ये वाला एच भी निकल जाएगा और बन जाएगा CHCl3 CHCl3 थ्री सी एल थ्री को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म एच सी एल को क्या बोलते हैं बच्चा क्लोरोफॉर्म आपने पिक्चरों में या फिर सास बहू के सीरस में देखा होगा कि एक रुमाल के ऊपर वो कुछ लिक्विड डालते हैं और लिक्विड डाल करके ऐसे जैसे रखते हैं आदमी यूं का यूं पड़ जाता है और फिर वो बेहोश करके जो भी उनको करना होता है कि भाई अपहरण कर लिया बच्चों का बच्चों को किडनैप कर लिया और वो सब जो है वो दिखाते हैं सीन अपना वो क्लोरोफॉर्म ही होता है और आपको मजे की बात बताऊं ऐसा कुछ नहीं होता कि जैसे ही नाक पर बंद किया आदमी ढह हो जाएगा इंसान है शरीर है समय लगता है तो अगर कोई ऐसा मूर्ख प्राणी हो जो केवल पिक्चरों में और टीवी में देख के क्लोरोफॉर्म छिड़क के किसी को बेहोश कर दे तो समय लगता है बेहोश होने में अगर वो सोचे कि टच करते बेहोश हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा हो सकता है जैसे ही तुम टच करो वो आदमी एक रैपट दे तुम्हारे खींच के और तुम जूत खा के वहाँ से निकलो तो कभी भी टीवी में देख कर के चीज़ें जो है उनको ट्राई मत किया करो है ना ठीक है चलो तो ऐसा नहीं होता है एकदम कोई बहस नहीं होता अभी एक एच और बचा हुआ है तो आप इसकी रिएक्शन और सी एल टू से कराओगे तो हो जाएगी ऐसी क्या दिक्कत है ये जो एच है ये भी निकल जाएगा तो ऐसे केस में आपका बनेगा सी सी एल फोर लास्ट में और सी सी एल फोर जो है इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड ठीक है तो ये रिएक्शन जो ऐसे चेन में होती है ये रिएक्शन जो ऐसे चेन में होती है इसको बोलते हैं चेन रिएक्शन इनको कहा जाता है श्रृंखला अभिक्रिया इसकी लैंग्वेज क्या हुई एल्केन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हेलोजन से क्रिया करके हेलोजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं हेलो एल्केन बनाते हैं ठीक है ये पहला पॉइंट हो गया दूसरा पॉइंट क्या है भाई आपका मोटी मोटी रिएक्शन जो आपके काम की जो आपको एग्जाम में अगर पूछें कि हेलो एल्केन की निर्माण की रिएक्शन बताओ तो वो रिएक्शन आपको लिखनी है सीधी ये वाली डायट ये ये मैंने आपके लिए बताया ये जनरल नॉलेज है ये दोनों पॉइंट जनरल नॉलेज के हैं जी के कि अगर आप डार्क में कराओगे तो रिएक्शन नहीं होगी सीधा कराओगे तो ऐसी रिएक्शन हो जाएगी एग्जाम में अगर आता है तो आपको इतना ही लिखना है कि एल्केन जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हेलोजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं हेलो एल्केन बनाते हैं दूसरा पॉइंट ध्यान सुनो यह रिएक्शन यह अभिक्रिया एक श्रृंखला अभिक्रिया है अब श्रृंखला अभिक्रिया को बोलते हैं चेन रिएक्शन तो यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है बच्चों ये अभिक्रिया चेन रिएक्शन है अर्थात ये अभिक्रिया श्रृंखला अभिक्रिया है अब अगले बोर्ड पे मतलब अगली स्लाइड में हम सबको मिलकर के यही पढ़ना है हमें सबको मिलकर के यही पढ़ना है कि श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है और हम सीखेंगे इस अभिक्रिया का मेकेनिजम. तो इसको आराम से अपनी आंखों में मन में मस्तिष्क में बसा लो है ना फिर हैश मक्खन कमेंट सेक्शन में लिख दो फिर अगली स्लाइड में अपन श्रृंखला अभिक्रिया को मक्खन करेंगे इस स्लाइड में हमने क्या सीखा कि अगर आप, के एल्केन की रिएक्शन सन्स लाइट में कराओगे डिफ्यूज सनलाइट में कराओगे तो वो आपको हेलो हेल्केन देगा और साथ में आपको आपका हाइड्रोजन क्लोराइड मिलेगा ये एक श्रृंखला भी क्रिया चलती जाएगी बीच में क्लोरोफॉर्म के बारे में भी हमने बातें करी बताओ बसालिया मसालिया क्लियर है वाह 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 क्या बात है पढ़ने वाले बच्चे हैं यहाँ पे बहुत खूब बहुत ही खूब मजा ही आ गया चलो वेरी वेरी गुड पढ़ जाए आगे अब देखते हैं इस अभिक्रिया की क्रियाविधि चलो बेटा तो अब हम ये समझते हैं कि क्रियाविधि या मैकेनिज्म आखिर बला क्या है ये होता क्या है ठीक है इसको समझते हैं प्यारे बच्चों बात कुछ ऐसी है कि जैसे कहीं पे कोई केस हो जाता है मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर मान लो किसी का मर्डर हो गया तो पुलिस उसकी जांच करती है उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है जांच करके पुलिस एक चार्जशीट बनाती है कि भाई इस आदमी की मौत या ये घटना ऐसे 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 हुई होगी उसके बाद वो रिपोर्ट जो है कोर्ट में पेश होती है तो कोर्ट देखती है कि पुलिस वालों ने सही रिपोर्ट बनाई है कि नहीं बनाई है और उसके आधार पर दोषी को जो है सजा दी जाती है वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले एक रिएक्शन को देखा जाता है कि ऐसा 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 हो रहा है जैसे हमने देख लिया यहाँ पे कि आपका सी जो है वो सी से क्रिया करके और फिर कुछ बना रहा है साइंटिस्ट लोग बैठ करके उस जो कांड हो रखा है उसका कर्म लिखते हैं ऐसे समझाता हूं कर्म कांड जो कांड हो रखा है उसका कर्म लिखते हैं जो रिएक्शन हो रखी है उसकी कहानी लिखते हैं और उस कहानी को हम क्रियाविधि कहते हैं अब ऐसा भी हुआ है कभी कभी कि कुछ क्रियाविधि हमने पहले तो हमें लगा सही है पर बाद में समझ में आया कि नहीं वो तो गलत है जैसे किसी केस में हो सकता है कि जो लोकल कोर्ट ने जो फैसला दिया हो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया हो और सत्य बाद में सामने आया हो ओके okay, तो वैसे ही किसी रिएक्शन की जब आप क्रियाविधि देखोगे तो उस क्रियाविधि में आपको काफी सारे फ्लेवर्स देखने को मिल सकते हैं ठीक है अब हम ये समझेंगे कि एक रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या चीज होती है उसको कैसे बताया जाता है बट समझना ये एक कहानी है जो हुई हुई रिएक्शन को बताने का काम करती है कि वो कैसे हुई पहले रिएक्शन होती है फिर कहानी लिखी जाती है तो यह मत सोचना कि इसके आधार पर रिएक्शन हुई है नहीं जैसे चार्जशीट या इन्वेस्टिगेशन मौत के बाद होती है वैसे ही रिएक्शन हो चुकी है अब हम उसकी कहानी बना रहे। पक्का बेटा देखो भाई बात ऐसी है बाहर चल रहा है बिपर जॉय क्या चल रहा है बिपर जॉय तूफान वूफ़ान कुछ आ रहा है ऐसे बारिश बारिश हो रही है भगवान तो की कृपा से यहाँ उतना असर नहीं है तो मौसम अच्छा है तो हमारे चिकी भाई ने पकौड़े ला के दिए हैं तो रहा नहीं गया है ना रहा नहीं गया तो बस एक और खा लूँ फिर हम शुरू करते हैं तब तक आप भी देखो और मन कर रहा हो तो आप भी अपनी मम्मी से रिक्वेस्ट कर सकते हो मम्मा पकोड़े बना दो ठीक है चलो जी ठीक है मेरा बहुत मन है कि मैं आप सब लोगों को साथ में शेयर करूं <coughs> बट डिजिटल ये संभव नहीं है हालांकि जब हम ऑफलाइन क्लासेस लेते थे ना तो वहाँ अगर ऐसा कुछ मौसम होता था सभी बच्चों के लिए पकोड़े और कचौड़ियों का नाश्ता जो है वो तो हम सब इन्जॉय करते थे क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है तो इसमें संभव नहीं है चलिए कोई बात नहीं तो क्रियाविधि मैकेनिज़्म जो है अगर कोई माँ बाप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि तो बच्चे का मन अब तक हो गया होगा तो आप फटाफट पढ़ से पकोड़े बना दीजिए तब तक हम आगे टॉपिक और पढ़ लेते हैं फिर आप भी खा सकते हैं ठीक है चलो तो स्पेशल रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी की मोम से <laughs> चलो बेटा बात करते हैं देखो तो कर्म हो चुका है उसका हमें मतलब जो हो चुका है उसका हमें कहानी लिखनी हम सब सी बनेंगे आज एक्चुअल में जो आपकी श्रृंखला अभिक्रिया होती है ना बेटा जिसे हम कहते हैं चेन रिएक्शन एक्चुअल में श्रृंखला अभिक्रिया तीन जो है श्रृंखला अभिक्रिया तीन हिस्सों में बटी होती है सबसे पहला होता है श्रृंखला प्रारंभ पद ये वो स्थिति है जहां से सब कुछ शुरू होता है श्रृंखला प्रारंभ पद इसको बोलते हैं इंग्लिश में चेन इनिशिएशन स्टेप चेन इनिशिएशन स्टेप का क्या मतलब है समझना इस स्टेप के अंदर हम वो चीज लिखते हैं जहां से आपकी पूरी रिएक्शन की शुरुआत होती है तो लोगों ने ये दिमाग लगाया कि सबसे पहले ये हुआ होगा कि जो आपका पहले मैं ऊपर रिएक्शन लिख दूं इसका अपन मैकेनिज्म लिख रहे हैं यह है रिएक्शन सी एच फोर ने रिएक्शन करी सी एल टू से ये बना इसका मैकेनिज्म हैं ठीक है चलो तो हुआ ये कि जो आपका सी एल टू है इनके बीच में दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखा है आप दे रखा है अपना और दो इलेक्ट्रॉन शेयर है सबसे पहले श्रृंखला प्रारंभ पद में चेन इनिशिएशन स्टेप में यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये कहलाता है संविदलन एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या बनेगा सीएल का डॉट प्लस सीएल का डॉट तो चेन इनिशिएशन स्टेप श्रृंखला प्रारंभ पद में हमेशा वो चीज लिखी जाती है जो रिएक्शन को शुरू करती है सिंपल भाषा में बोले तो किक स्टार्ट करती है सेकंड दूसरा आता है ट्रंकला संचरण पद इसको बोलते हैं चेन प्रोपोगेशन स्टेप चेन प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होता है बेटा देखना इसमें हमेशा अपन उन संभावनाओं की तलाश करते हैं जिसमें उत्पाद में ऐसा कुछ बन रहा होता है जो रिएक्शन को वापस से आगे बढ़ा सकता है मेरी बातें सुनने में अजीब लगेंगी बट लास्ट में सब क्लियर हो जाता है स्टार्टिंग में कुछ बातें मेरी अजीब लग सकती हैं हम चंकला संचरण पद में ऐसे पदों को मेंशन करते हैं ऐसे स्टेप्स की बात करते हैं जिसमें हमेशा उत्पाद के अंदर ऐसा कुछ बनता है जो रिएक्शन को वापस से आगे बढ़ा सकता है अब क्या होता है देखो जैसे आपके पास है CH4, फोर इसके पास में यहां से बनावा जाएगा सीएल का डॉट सीएल का डॉट आपके सी एच फोर को कहेगा कि एक काम कर तू हाइड्रोजन के साथ में अपना रिश्ता तोड़ दे और हाइड्रोजन मुझे दे दे भाई आपके सी एल का जो डॉट है वो सी एल का डॉट सी एच फोर के पास जाएगा और उसको जाके बोलेगा भाई एक काम करना मैं सी एल का डॉट हूं मुझे अगर एच का डॉट मिल जाएगा तो मैं एच सी एल बन जाऊंगा तो एक काम कर भाई तेरे एच को मुझे दे दे सी एच फोर कहता है ठीक है ले जा तो यहां से क्या बनेगा सी एच थ्री का डॉट क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपना ले गया ये इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन आ गया दिख रहा है तो ये बन गया सी एच थ्री का डॉट और साथ में बन गया आपका एच सी एल अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसमें ये वो बंदा है जो रिएक्शन को आगे कंटिन्यू करवा सकता है तो हमेशा बेटा शंखला संचरण पद में चेन प्रोपोकेशन स्टेप में ऐसा बंदा जरूर बनेगा जो रिएक्शन को आगे लेके जा सके अब ये जो सी एस ट्री का डॉट है ये जा करके दोनों सीएल को मतलब सीएल टू को परेशान कर सकता है और कह सकता है कि सीएल सुन मेरी जिंदगी खराब कर दी तेरे ही एक भाई ने अब तू ही मुझे बचाएगा तो सीएल का डॉट कहता है ठीक है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आप मेरे साथ जुड़ो मैं आपको अपने साथ जोड़ करके सीएस थ्री सी एल बना लेता हूँ और मेरा सीएल का डॉट अलग पड़ा रहेगा अब देखो श्रृंखला संचरण पद में मैंने बोला था ना उत्पाद में हमेशा आपको ऐसा कुछ मिलेगा जो रिएक्शन को आगे लेके जा सकता है अब इसमें ये ये का डॉट जो है है रिएक्शन को वापस शुरू कर सकता है, ये जाकर के फिर सीएच फोर के अंदर उसको परेशान करेगा फिर उसका एस सी एल निकालेगा फिर सीएससी का डॉट बनेगा फिर वो बचे हुए सीएल टू को परेशान करेगा और ऐसे इससे ये और इससे ये बनता रहेगा तो श्रृंखला संचरण पद में हमेशा आपको उत्पाद में ऐसा बंदा मिलेगा जो रिएक्शन को आगे कंटिन्यू करवा सके डन है क्या डन है क्या सही है बेटा चलो अब आएगा तीसरा श्रृंखला समाप्ति पद जिसको बोलते हैं टर्मिनेशन स्टेप इसमें अपन हमेशा वो पद लिखते हैं जिनसे आपकी रिएक्शन खत्म हो सकती है अपन हमेशा इसमें वो पद लिखते हैं अब खत्म कैसे कैसे हो सकती है सोचो भाई खत्म ऐसे हो सकती है कि सी का डॉट वापस सी के डॉट से मिल जाए और सी टू बना ले खत्म सी एस का डॉट सी के डॉट से मिल जाए और सी एस सी बना ले आगे कुछ ऐसा बनेगा ही नहीं जो रिएक्शन को आगे लेके जा सके ख़त्म सी एस का एक डॉट सी एस के दूसरे डॉट के साथ मिल करके के सी एस सी एस बना ले तब भी रिएक्शन ख़त्म तो चेन टर्मिनेशन स्टेप में आप इस प्रकार के रिएक्शन लिख सकते अब आप देख लो इसको अच्छे से फिर मैं आपको एक बार वापस समझाता हूँ अलग स्टाइल में बताओ बेटा हुआ देखो अब एक्चुअल में क्या है ना हमेशा जब भी ऑर्गेनिक की रिएक्शन को देखो दो बातें दिमाग में रखा करो कि पहली बात किसी भी अभिकारक की कोई कमी नहीं है जैसे मैं कमेंट्स पढ़ रहा था एक बच्चे का सवाल है कि सी एल के डॉट कहाँ से आए ये वाले एक्चुअली आपके पास कंटेनर में खूब सारे सी एल टू हैं उनसे खूब सारे सी एल के डॉट और सी एल के डॉट बने कुछ सी एल के डॉट सी एच फोर के पास गए और उन्होंने सी एच थ्री का डॉट बनाया कुछ सी एल के डॉट इस सी एच थ्री के डॉट के पास गए और उन्होंने ये बनाया कुछ सीएल के डॉट अपने ही सीएल के डॉट से मिलकर के सीएल टू बना लिए ऐसा होता है यहां भी खूब सारे सीएसरी के डॉट बने तो खूब सारे सीएसरी के डॉट के पास भी दो ऑप्शन थे या तो वो सी के या तो वो सीएल टू के पास जाए और उसमें से सीएल खींचे या फिर वो डायरेक्ट सीएल के डॉट के पास जाए उससे जुड़ जाए या फिर वो अपने ही जैसे दूसरे बंदे के साथ कनेक्ट होकर के ये बना एक्चुअली आपके कंटेनर में ये सारी रिएक्शंस चलती रहती हैं बस हमने छाटा है कि कौन सी रिएक्शन से क्या हो रहा है एक्चुअल में कंटेनर में ये चल रहा है जो आपका रिएक्शन का कंटेनर है उसमें ये चल रहा है एक जगह पे आपका सी टू जो है वो सी के डॉट और सीएल के डॉट में बदल रहा है एक जगह आपका सी का डॉट वापस से सी के डॉट से जुड़ करके सी टू बना रहा है एक जगह आपका ये सी का डॉट सी एच फोर के पास जा रहा है और उससे सी एस सी का डॉट और एस सी एल बना रहा है एक जगह आपका सी एस सी का डॉट जो है वो सी एल टू को परेशान करके उससे सी एस सी सी एल और सी एल का डॉट बनवा रहा है एक जगह आपके सी एस सी का डॉट अपने ही जैसे दूसरे सी एस सी के डॉट के साथ मिल करके सी एस थ्री सी एस सी बना रहा है एक जगह आपके सी एस टी का डॉट जो है वो सी एल के साथ मिलकर के सीएल के डॉट के साथ मिलकर के सी एस टी सी एल बना रहा है ऐसे सब रिएक्शन चल रही हैं अब हमने चेक किया कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है एग्जैक्टली exactly। तो जब हमने ये चेक किया यहाँ पे एग्जैक्टली exactly क्या हो रहा है तो पता चला कि सबसे पहली चीज तो ये शुरुआत है शुरुआत ये है यहां से शुरुआत हो रही है कि सबसे पहले आपका जो सी एल टू है वो सी एल का डॉट और सीएल का डॉट बना रहा है इसको हमने बोल दिया हमारा चेन इनिशिएशन स्टेप अर्थात श्रृंखला प्रारंभ पद डन फिर हमने देखा यहाँ पे ये दोनों स्टेप ऐसे हैं जिनमें ऐसे उत्पाद बन रहे हैं जो आगे रिएक्शन कर सकते हैं ये दो रिएक्शन ऐसी हैं जिनमें एक में बन रहा है सीएस का डॉट और एक में बन रहा है सी का डॉट ये आगे रिएक्शन कर सकते हैं हमें ऐसा लगा तो फिर हमने कहा कि जो जिनसे आगे रिएक्शन संभव है जो आगे जाकर के भी रिएक्शन और आगे कर सकते हैं उनको कहेंगे चेन प्रपोगेशन स्टेप इनको श्रृंखला संचरण पद कहा जाएगा फिर यहां हमने देखा तो यहां समझ में आया कि भैया उत्पाद में ऐसी चीजें बन रही हैं जो बन तो गई बट आगे वो और रिएक्शन नहीं कर सकती ये बन गया फिर आगे कुछ नहीं बनेगा तो इसको हमने कहा चेन टर्मिनेशन ऐसे आपके कंट्री में जो रिएक्शन हो रही थी उनको हमने बांटा तीन हिस्सों में चेन इनिशिएशन चेन प्रोपोगेशन और बेटा चेन टर्मिनेशन इस तरह से आपकी अभिक्रिया होती है कमेंट करके बताओ समझ आ गया कि. चलो अब एक टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन कर लो हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाए कि की परिवर्तित कीजिए पहला ये एक ही देता हूं अभी आपको करने के लिए ब्यूटेन से क्लोरोब्यूटेन अब देखते हैं आप कैसे परिवर्तित करोगे बेटा कंटेनर में पते वो मिला रखा है ना उत्पादों उसको अभिकारकों को मिला रखा है अब देखो ब्यूटेन से क्लोरोब्यूटेन कैसे बनाएंगे ब्यूटेन आपका होता है चार कार्बन का सिंगल बॉन्ड ये आपका ब्यूटेन है क्लोरोब्यूटेन एक एच हटाना है और एक सी एल लगाना है तो बस कैसे करेंगे सिंपल इसकी रिएक्शन करा दो सी एल टू से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति बस हो गया एक एच एक सी एल को लेकर निकल जाएगा इजी है ना बेटा एक एच एक सी एल को लेकर निकल जाएगा और HCl सी एल आपका बाहर निकल जाएगा और आपका उत्पाद बन जाएगा सी एस सी सी एस टू सी एस टू सी एस टू सी एल बस याद रखिएगा कुछ जगह सूर्य के प्रकाश को म्यू से प्रदर्शित किया जाता है ऐसा क्यों आपको पता है सूर्य का जो प्रकाश है क्लास इलेवेंथ चैप्टर नंबर टू याद करो आपको पता होना चाहिए जो सूर्य का प्रकाश है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है उसमें एनर्जी के छोटे छोटे पार्टिकल्स है जिनको फोटोन कहते हैं और फोटोन की एनर्जी होती है एच म्यू के बराबर इसलिए सूर्य के प्रकाश की जगह कभी कभी अपन एचम यू भी लिख सकते ठीक है बोलो क्लियर एकदम मजा आ गया कोई दिक्कत नहीं है इजी था चलो अब अपन दूसरी रिएक्शन सीखते हैं सेकंड की पहला हमने बनाना सीखा आपके एल्केन से अब हम सीखेंगे एल्कीन से तो हेडिंग लगाओ एल्कीन द्वारा and this is very important तो so, ध्यान से सीखना है इसको ये आपके पास एक एल्कीन है और इस एल्कीन से आपको हेलो एल्कीन बनाना है ठीक है इस एल्कीन का नाम भी आप समझ सकते हो इसका नाम है सिंपल प्रोपीन और प्रोपीन से आपको बनाना है आपका हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे ध्यान सीखना इसमें एक्चुअल में आपके पास दो ऑप्शन हैं पहला ऑप्शन है कि आप इसकी रिएक्शन कराएं एच से सिंपल डायरेक्ट और एक आप इसकी रिएक्शन कराएं एच से परऑक्साइड की उपस्थिति में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बेटा ध्यान से सीखना और समझना क्या है आप इसकी रिएक्शन एच से कराइए डायरेक्ट पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन यह है कि आप इसकी रिएक्शन कराओ एच से परऑक्साइड की उपस्थिति में दो ऑप्शन है होना क्या है होना बहुत सिंपल है ये जो आपका डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड टूटेगा ये बॉन्ड जब फ्री होगा सोचो खुद सोचो जब ये बॉन्ड फ्री होगा तो एक बॉन्ड इस कार्बन का फ्री होगा और एक बॉन्ड इस कावन का फ्री होगा तो एक जगह हाइड्रोजन जाके लग सकती है और एक जगह ब्रोमीन जाके लग सकता है बस ये जो दो केस बन रहे हैं वो इसीलिए बन रहे हैं कि कहां पे एच लगेगा और कहा लगेगा ठीक होना क्या है होना बस इतना है ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक होगा एक जगह आपका एच जा करके लगेगा बेटा और एक जगह आपका बी आर जा लगेगा बस इतना ही होना है कहाँ कैसे लगेगा वो देखना है अपन को समझो जब आप सीधा सीधा एच बी आर से कराओगे और कुछ भी नहीं लोगे सीधा सीधा एच बी आर से कराओगे और कुछ भी नहीं लोगे तो आपका मार्कोनिकोव का नियम लगेगा तो आपका मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा जिसको हम एम रूल के नाम से भी जानते हैं। अगर तो आपने कुछ नहीं किया अगर आपने कुछ नहीं किया सिंपल आपने ले लिया HBR और उस HBR की क्रिया आपने कराई डायरेक्ट तो मार्कोनिकॉफ का नियम अब मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है ध्यान से देखना मार्क्रोन बोलता है कि एच वहां जाएगा जहां एच ज्यादा है और प्रति मार्को बोलता है इसका उल्टा हां लिखो नीचे लिख दू इसको बोलते हैं एम रूल और इसका उल्टा है प्रति मार्को को बोलते हैं एंटी मार्को वो ये कहता है एच वहां जाएगा जहां एच कम है ठीक है देखें, अब मार्कोनिक निकाल एच वहां जाएगा जहां ज्यादा जाएग जाएग है तो सी एच और सीएच टू H ज्यादा है सोचो, इधर ज्यादा है, तो एच यहां जुड़ेगा और CH यहां जुड़ेगा अब बी आर यहां जुड़ेगा कैसे देखो डबल बॉन्ड आपका सिंगल हो गया पहली बात तो जैसे ही डबल बॉन्ड सिंगल हुआ दोनों कार्बन के एक एक बॉन्ड फ्री हो गए अब मार्कोनिकॉफ का नियम बोलता है कि एच वहां जाएगा चाहे एच ज्यादा है तो इन दोनों जगह में एच कहां ज्यादा है यहां पे तो एच आपका यहां कनेक्ट होगा और बी आर आपका यहां कनेक्ट होगा ऐसे और आपका उत्पाद बनेगा टू ब्रोमो क्योंकि सेकेंड नंबर पर ब्रोमो है नंबरिंग करोगे ना वन टू थ्री टू ब्रोमो प्रोपेन तो अगर आपको प्रोपीन से ये प्रोपीन है बेटा अगर आपको प्रोपीन से टू ब्रोमो प्रोपेन एग्जाम में बनाने के लिए भेजे पूछे तो आपको एच को वहां भेजना चाहिए जहां एच ज्यादा है ऐसे तभी बनेगा वो तो कैसे भेजोगे सिंपल एच बी आर से डेट करा दो मार्कोनिको नियम लग जाएगा आप वहां पहुंच जाओगे अगर आपने एच बी आर के साथ में परोक्साइड ले ली तो ये परोक्साइड जो है ये एंटी मार्कोनिकोव नियम लगवा देगी और एंटी मार्कोनिकोव नियम होता है कि एच वहां जाएगा जहां पे एच कम है तो एच वहां जाएगा जहां एच कम है तो आप इसको लीजिए वापस से डबल बॉन्ड बॉन्ड ब्रेक होगा इसका एक बॉन्ड फ्री बॉन्ड फ्री क्योंकि आपने परऑक्साइड लिया है तो एंटी मार्कोनिकॉफ नियम लगेगा एच वहां जाएगा जहां वो कम है तो एच कहां कम है यहां पे तो यहां पे आपका एच जाएगा यहां पे आपका बी आ जाएगा और ये बनेगा वन टू थ्री के हिसाब से देखें ये बनेगा वन ब्रोमो मैथ प्रॉप वन ब्रोमो प्रोपे ऐसे बनेगा बताओ बेटा ठीक है क्या अब सवाल एक बड़ा सा पैदा होता है परऑक्साइड क्या होता है ना परऑक्साइड क्या चीज है अच्छा सवाल है वैसे पता होना चाहिए परऑक्साइड का मतलब होता है जब दो ऑक्सीजन डायरेक्टली कनेक्टेड हो तो उनका ऑक्सीजन अवस्था माइनस वन माइनस वन होती है इसको परऑक्साइड कहते हैं अब अगर आपने दोनों तरफ हाइड्रोजन लगा दी तो ये हो जाएगा एच टू ओ टू और हम इसको बोलेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड और अगर आपने दोनों तरफ एनए लगा दिया तो ये हो जाएगा एन ए टू ओ टू और इसको हम बोलेंगे सोडियम परऑक्साइड बट जो चीज कॉमन है पता चल गई आपको कॉमन चीज क्या है कॉमन चीज ये है कि दो ऑक्सीजन अगर डायरेक्टली कनेक्टेड होगी तो उसको परोक्साइड बोलेंगे और परोक्साइड के अंदर एक चीज होती है कि परोक्साइड जो है आपका उसमें ऑक्सीजन अवस्था जो है वो माइनस वन देखने को मिलती है आपके ऑक्सीजन की मस्त है क्या मजा आ गया कोई दिक्कत तो नहीं है तो अभी अभी आपने ये सीखा अब इसका कारण समझना है आपको है ना कि इसका कारण क्या है तो कारण के लिए आपको इसका मैकेनिज्म देखना पड़ेगा जो अपन करेंगे पर पहले ये देखो कि अभी तक आपने मोटी मोटी चीज क्या सीखी वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है ना बेटा वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है कि आपने मोटा मोटा क्या सीखा तो आपने मोटा मोटा बेटा ये सीखा कि अगर अपन डायरेक्ट एच से रिएक्शन कराएंगे तो मार्कोनिकॉफ नियम लगेगा एच वहां जाएगा जहां एच ज्यादा है बी आर वहां जाएगा जहां एच कम है अगर अपन कोई परोक्साइड काम में ले लेंगे तो फिर चीजें बदल जाती हैं एच वहां जाता है जहां पे वो कम है और बी आर वहां पर जाता है जहां पे एच ज्यादा है उल्टा हो जाता है इसका अब इस रिएक्शन में कौन सा परोक्साइड लिया है एक बच्चा सवाल पूछ रहा है तो आप इस रिएक्शन में हाइड्रोजन परोक्साइड लेना कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कोई भी प्रोक्साइड ले सकते हो ऑक्साइड के लेते ही क्या होता है सब कुछ कहानी बदल जाती है अब एग्जाम में सवाल कैसे आएगा एग्जाम में बोल सकता है बदलो प्रोपीन को टू ब्रोमो प्रोपेन में तो ऊपर वाली रिएक्शन करनी पड़ेगी एग्जाम में अगर बोलेगा बदलो प्रोपीन को वन ब्रोमो प्रोपेन में तो ये वाली रिएक्शन करनी पड़ेगी अब मैं एक टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन आपको दे रहा हूं उसको आप देखो पहले उसमें यह है आपको बदलना है ब्यूटीन को वन ब्रोमो ब्यूटेन में और एक बार आपको बदलना है ब्यूटीन को टू ब्रोमो ब्यूटेन में अब आप देखो कैसे करोगे फटाफट फड़ से ट्राई करो सभी बच्चे सबसे होना चाहिए करो कॉपी में हाँ जी बच्चों तो काफ़ी सफिशियन टाइम मिल गया आप लोगों को कर लिया होगा आप लोगों ने सॉल्व अब तो है ना मिनट देखो जब भी हाँ जी जब भी अपन को कन्वर्जन देता है ना बेटा सबसे पहला काम होता है कि अपन उसको लिखें कॉपी में कि किससे क्या बनाना है ठीक है कुछ महान विद्यार्थी ऐसे भी पाए गए हैं ऑफलाइन सेंटर में हम पढ़ाते थे तो ऐसी चीज़ निकल के आती थी ब्यूटीन है तो बंदा लिखेगा ब्यूटीन लो साहब सी एच थ्री एक दो तीन चलो तो मैं एक बार हाइड्रोजन लगाना भी सिखा दूं चार कार्बन है एक दो तीन चार ऐसे लिखेगा ब्यूटीन है डबल बॉन्ड लगा दिया सी एच टू सी एच सी एच टू सी एस सी कैसे कर रहा हूँ समझ आ गया जितने बॉन्ड बने हुए हैं ठीक है बाकी ये कार्बन चार बॉन्ड बनाता है तो ऐसे लाइन खींचेगा एरो बनाएगा एरो बना के वन ब्रोमो ब्यूटेन ये लो साहब वन ब्रोमो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाया और छोड़ दिया हो गया कन्वर्जन ऐसे भी कुछ लोग करते हैं भाई तुमने कन्वर्जन नहीं किया तुमने बस ब्यूटेन का फॉर्मूला लिखा वन ब्रोमो ब्यूटेन का लिखा और छोड़ दिया एरो बना करके ऐसे थोड़ी होता है कन्वर्जन कन्वर्जन ऐसे नहीं होता है अब इसमें आप एक बात समझो देखो या तो अपन एच से रिएक्शन कराएंगे तो या तो अपन ऐसे कराएंगे डायरेक्ट अगर डायरेक्ट कराएंगे तो इसमें जब आप एच को ऐड करोगे तो मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा और मार्कोनिकॉफ का नियम कहता है कि एच वहां जाएगा जहां ज्यादा है तो ये एच जाएगा इसके पास बी जाएगा इसके पास तो बी आएगा दूसरे नंबर पे जबकि आपको बी आर चाहिए पहले नंबर पे तो आप एरो के ऊपर किसी परऑक्साइड का नाम लिखोगे ताकि एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लगे एच वहां जाए जहां जा, एच कम है और बी आर वहां जाए जहां ज्यादा है ताकि आपको आपका वन ब्रोमो ब्यूटेन जो है वो मिल सके सही है ना हां सचे करते हैं बच्चे ऐसा उसके बाद ब्यूटीन तीन एक दो दो एक तीन अब समझना ब्यूटीन से बनाना है टू ब्रोमो ब्यूटेन तो सिंपल एच बी आर से करा दो एच वहाँ जाएगा जहाँ एच ज़्यादा जाएग है ऑटोमेटिकली और बी आर वहाँ जाएगा जहाँ एच जाएग जाएग कम है तो इससे क्या बनेगा यहाँ बिया कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ एच कनेक्ट हो जाएगा तो ये क्या बना टू ब्रोमो चार कार्बन का ब्यूटेन खत्म कैसा लगा बेटा क्लियर करो एस सी एल पे लगेगा एच एफ पे लगेगा ये अपन स्पेशल क्लास में देखेंगे अभी जो एच बी आर का समझ रहे है। है? चलो अब अगली क्लास में अपन इसका डिस्कस करेंगे, इस क्लास में एक जनरल पॉइंट डिस्कस करना है वो देख लो जैसे आपके पास हो यह है थ्री डिग्री जिस पे प्लस है जिस कार्बन पे प्लस है वो आगे तीन कार्बन से कनेक्टेड है तो यह है थ्री डिग्री धनायन। उसके बाद जिस कार्बन पे प्लस है वो दो कार्बन से कनेक्टेड है यह है टू डिग्री धनायन। जिस कार्बन पे प्लस है वो आगे एक कार्बन से कनेक्टेड है है वन डिग्री काब तनायन हमें देखना है इन तीनों में सबसे ज्यादा स्थाई कौन है ठीक है एक सवाल अगर यही कार्ब ऋणायन के लिए हो फिर तब आपका आंसर क्या होगा लॉजिक बताऊंगा सीधा ठीक है और ये अगर मुक्त मूल्य ये है थ्री डिग्री कार्ब एनायन ऐसे लिख दो थ्री डिग्री सी माइनस कार्ब एनाइन ये है टू डिग्री कार्ब एनायन एक बार पूरा लिख देता हूँ बाकी शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कार्बो एनायन और ये है वन डिग्री कार्बो एनाइन जिसके ऊपर माइनस है वो आगे एक कार्बन से कनेक्टेड है अगर आपके पास फ्री रेडिकल हो डॉट होगा थ्री डिग्री फ्री रेडिकल, टू डिग्री फ्री रेडिकल, वन डिग्री फ्री रेडिकल टीका का मतलब होता है मुक्त मूलक दिख रहा है लॉजिक समझना बेटा यहां पर देखो लॉजिक है आवेश जितना कम उतना स्थायी सीधी सी बात है तो यहां पे प्लसई सी एस थ्री का प्रभाव कैसा होता है सी एस थ्री का आई प्रभाव होता है तो तीनों सी एस थ्री इलेक्ट्रॉन देने का काम करेंगे मतलब तीनों सी एस थ्री कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे और कार्बन पे कौन सा आवेश है अभी कार्बन पे आवेश है अभी पॉजिटिव तो तीनों के तीनों सी एच थ्री अगर कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे तो कार्बन पर अभी आवेश है पॉजिटिव वो आवेश में अच्छी खासी कमी आएगी और जितनी आवेश में कमी आएगी उतना वो स्थाई होगा यहां पे दो सी एच थ्री कार्बन के प्लस को कम कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन देकर के यहां पे केवल एक कर रहा होगा तो सबसे कम पॉजिटिव किसके पास होगा इसके पास क्योंकि वापस समझा देता हूं इसके पॉजिटिव को तीन सी एच थ्री कम कर रहे हैं इसके पॉजिटिव को दो सी एच थ्री कम कर रहे हैं इसके पॉजिटिव को एक ही कर रहा है तो सबसे ज्यादा स्थाई कौन सा होगा ये फिर ये तो कार्ब धनायन में याद रखना ऑर्डर क्या होता है थ्री डिग्री सबसे ज्यादा फिर टू डिग्री सबसे कम वन डिग्री ये धनायन का ऑर्डर है धर्नायन में समझना ये कार्बन के पास आठ इलेक्ट्रॉन है आठ इलेक्ट्रॉन मतलब इसका पेट भरा हुआ है अब अगर इसको कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके लिए अच्छा नहीं है अब इस नेगेटिव को ये, ये सी भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये भी दे रहा है ये भी दे रहा है तो नेगेटिव बढ़ रहा है उसका और नेगेटिव बढ़े अच्छी बात नहीं है कम हो अच्छी बात है यहां तो बढ़ रहा है यहाँ पे दो सीएस उसका नेगेटिव बढ़ा रहे हैं यहाँ पे एक सीएस उसका नेगेटिव बढ़ा रहा है तो सबसे कम नेगेटिव किसके पास सबसे कम आवेश किसके पास इसके पास तो सबसे ज्यादा स्थायी ये होगा तो जब आप ऋणायन की बात करते हो तो वन डिग्री सबसे ज्यादा फिर टू डिग्री और फिर थ्री डिग्री इधर देखते हैं इधर अलग कहानी है यहाँ की कहानी अलग है यहां पे इस कार्बन के पास सात ही इलेक्ट्रॉन है एक दो एक दो तीन चार पांच इसके ऊपर पड़ा हुआ है सात इलेक्ट्रॉन सात इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है भूखा इस कार्बन का अष्टक ही पूरा नहीं है तो इसको तो जितने इलेक्ट्रॉन मिले बढ़िया है इसके लिए अष्टक ही पूरा नहीं है तो यहाँ पे तीन सी एस थ्री इसको इलेक्ट्रॉन दे करके इसके अष्टक में भागीदार बन के उसको खुश कर रहे हैं क्योंकि अष्टक पूरा होगा बेटा उसके बाद में ही वो एलिजिबल होता है आगे किसी बात के लिए अस्टक का पूरा होना हमेशा एक अच्छी बात है इसका पेट भरा हुआ है इसका अष्टक पूरा है इसलिए जब ये तीनों सी एस इसको दे रहे हैं तो इसका आवेश बढ़ रहा है और ये अस्थायी हो रहा है पर यहाँ पे ये भूखा है भूखे को खाना खिलाने से वो स्थाई होता है तो यहाँ पे ये तीनों सी एस टी अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो स्थाई बनेगा यहाँ दो देंगे तो कम स्थाई होगा यहाँ एक देगा तो और भी कम होगा तो यहाँ कहानी पलट जाती है यहाँ पर जब आप मुक्त मुलक की बात करते हो तो थ्री डिग्री सबसे ज्यादा स्थाई फिर टू डिग्री और फिर वन डिग्री इस बात को अच्छे से आपको ध्यान रखना है और अगर तीनों के लॉजिक क्लियर हो गए हों तो कमेंट सेक्शन में हैश टैग मक्खन फिर मैं इन तीनों के लॉजिक को एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूं और यह आज की क्लास का आखिरी टॉपिक भी है बताओ डाउट ग्रुप का करते हैं मोमेंटम 3. चिंता मत करो तो चलो बताओ ठीक है क्या वापस समझाओ एक बार इन दोनों को समझो आवेश जितना कम हो बेहतर है पर पेट भरा होना चाहिए यहां प्लस 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 है इस प्लस को अगर कोई कम कर दे स्थायित्व तो आ जाएगा इस माइनस को कोई कम कर दे स्थायित्व तो आ जाएगा यहां ये तीनों CH3 अपना प्लस आई प्रभाव दिखा रहे हैं तो प्लस आई प्रभाव दिखा करके इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो कार्बन का प्लस कम हो रहा है सबसे ज्यादा इसमें कम हो रहा है फिर इसमें दो लोग कम कर रहे हैं इसमें एक ही लोग कम कर रहे हैं तो सबसे कम आवेश इसके पास है यहां पर कार्बन का पेट भरा हुआ है उसको इलेक्ट्रॉन देके तुम उसका नेगेटिव बढ़ाओगे और उसको अस्थाई बनाओगे यहां तीन लोग उसको इलेक्ट्रॉन देके के उसके नेगेटिव को बढ़ा रहे हैं गलत बात है ना इसलिए ये सबसे कम स्थाई है यहां आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी दे रहे हैं ये क्यों है क्योंकि इसका पेट नहीं भरा हुआ है ना ये भूखा है आप इसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो स्थाई होगा पेट भरे हुए में अगर आप इलेक्ट्रॉन दोगे नेगेटिव बढ़ाओगे तो वो स्थाई नहीं होगा पर अगर पेट खाली है और फिर उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो वो आदर्श गैस आदर्श या आप बोल सकते हो क्या बोलते हैं उनको इनर्ट गैसेस उत्कृष्ट गैसों वाली कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा अस्टक पूरा करेगा तो उसके लिए बेहतर है तो ये अस्टक पूरा करने की रेस में है इसका अट्टक पूरा है अब इसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो इसके लिए गलत है बट इसके लिए अच्छा है इसलिए यहाँ पे तीन सी एस इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इसका नेगेटिव बढ़ रहा है यह अस्थायी हो रहा है बट यहाँ पे तीन दे रहे हैं तो ये भूखा है इसको अच्छा लग रहा है इसलिए यहाँ पे और यहाँ पे फर्क है इसमें और इसमें ही बच्चों को डाउट होता है मैंने हो सकता है डाउट क्लियर कर दिया हो बढ़िया बेटा तो ये थी आज की ऑर्गेनिक के चैप्टर की पहली कक्षा उम्मीद करता हूं बहुत ज्यादा मजा आया होगा आप सभी को अगर आपको अच्छा लगा है अगर आपको सच में कॉन्फिडेंस फील हुआ है और आपको पता है हमें पढ़ते हुए कितना टाइम हो गया एक घंटा चालीस मिनट तो आज अगर आपको एक घंटा चालीस मिनट पढ़ाई करते करते मजा आ गया हो फील ही नहीं हुआ हो कि एक घंटा चालीस मिनट हो गया हो तो कमेंट जरूर करना और आज कमेंट सेक्शन में एक होमवर्क है आप सभी के लिए आज के कमेंट सेक्शन में आपको मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव का नियम लिखना है सभी बच्चों को ठीक है कमेंट करके जरूर बताना है कि क्लास कैसी लगी कल की क्लास में हम लगभग सारा निर्माण कंप्लीट कर लेंगे कल बहुत सारी रिएक्शंस आएंगी ये मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव का मैकेनिज्म भी कल अपन देखेंगे अपन हर एक रिएक्शन को तरीके से करते हुए चल रहे हैं है ना और अगर दो दो घंटे आपको पता नहीं चल रहे हैं पढ़ते हुए तब, मजा आ रहा है। तब आप सच में टॉपिक को फील कर रहे हो कल से आपको मिनट भी मिलने लगेंगे इस चैप्टर के और कल मैंने आज जो कुछ भी पढ़ाया ना वो तो कल मैं वन मिनट शॉर्ट में आपको रिवाइज करा दूंगा तो क्लास में आने से पहले वन मिनट शॉर्ट देख करके जरूर आइएगा बाय बाय जय हिंद टेक केयर खुश रहो मस्त रहो पढ़ते रहो जय हिंद डीपीपी आ गई है एप्लीकेशन के अंदर सॉल्व करना और कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको आज की क्लास में